तो दोस्तों अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट एटीएम कार्ड यूज करते हैं और एटीएम मशीन में जाने के बाद अगर आप वहां पे कुछ पैसे को विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, तो हो सकता है कि आपका 15,000 से ऊपर वहां पे पेमेंट नहीं निकलता है। एक दिन में आप वहां पे सिर्फ 15,000 ही या 20,000 ही पेमेंट निकाल पाते हैं। पर दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इसके लिमिटेशन को कैसे आप यहां पे बढ़ा सकते हैं। अगर आप यहां पे एटीएम मशीन में जाते हैं, आप चाहते हैं कि डेली का लिमिट 30,000 करना चाहते हैं, 40,000 करना चाहते हैं, 50,000 करना चाहते हैं या 75,000 करना चाहते हैं, तो वो आप इजी तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर दोस्तों डेबिट कार्ड का यूज आप पीओएस मशीन में यूज करते हैं, शॉपिंग के लिए यूज करते हैं, तो पीओएस मशीन के लिमिट को भी आप यहां पे बढ़ा सकते हैं। 1-1.5 लाख तक बढ़ाना है डेली का लिमिट, तो वो भी आप यहां पे कर सकते हैं। तो ये सेटिंग कैसे इनेबल करना है, कैसे लिमिटेशन को बढ़ाना है, ये टोटल आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिए। क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन देखने मिलेगा, उसको इंस्टॉल कर लेना है, लॉगिन के प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट आपको देखने मिलेगा। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को आप वहाँ पर सबसे पहले वॉच कर लीजिएगा। देन क्या करना है, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ये देख सकते हैं ये मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन देखने मिलेगा और जैसे आप यहाँ पर ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद आपको लॉगिन इन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन इन पे क्लिक करने के बाद पिन से आप यहां पे लॉगिन कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट से लॉगिन करना है तो आप यहां पे फिंगरप्रिंट को यूज करके लॉगिन के प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहां पे यूज करने वाला हूं फिंगरप्रिंट और जैसे मैं यहां पे फिंगरप्रिंट को यूज कर रहा हूं तो यूज करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं मेरा यहां पे लॉगिन हो चुका है। जब आपका यहां पे लॉगिन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, होम स्क्रीन इस प्रकार का मिलेगा और नीचे में जाइएगा तो नीचे में जाने के बाद सबसे पहले आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा कस्टमाइज का। ये जो आपको कस्टमाइज वाला ऑप्शन मिला इस पे आपको क्लिक कर देना है अगर आपको यहां पे डेबिट कार्ड का कोई ऑप्शन शो नहीं होता हो। तो चलिए मैं यहां पे कस्टमाइज पे क्लिक करूंगा और कस्टमाइज पे क्लिक करने बाद ऊपर में एडिट वाला ऑप्शन मिलेगा, एडिट पे आपको चले जाना है और एडिट में जाने के बाद नीचे जाना है। नीचे में जाने के बाद आपको डेबिट कार्ड देखने मिलेगा, तो सबसे पहले क्या करना है, डेबिट कार्ड में आपको प्लस का ऑप्शन मिलेगा, प्लस पे क्लिक कीजिएगा तो ये यहां पे ऐड हो जाएगा। देन आपको डन पे क्लिक कर देना है और जैसे डन पे क्लिक कर दीजिएगा, डन पे क्लिक करने के बाद आपको यहां से बैक हो जाना है और बैक होने बाद क्विक टास्क में आप देखिए डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन अब आपको यहां पे शो हो जाएगा। जब ये ऑप्शन आपका यहां पे आ जाता है उसके बाद डेबिट कार्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पे डेबिट कार्ड पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट डिटेल देखने मिलेगा, डेबिट कार्ड का इंफॉर्मेशन आपको यहां पे देखने मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, नीचे में अगर आप यहां पे देखें तो आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा सेट कार्ड लिमिट का। ये आप देख सकते हैं ये जो आपको सेट कार्ड लिमिट वाला ऑप्शन मिला इस पर आपको क्लिक कर देना है और इस पर दोस्तों जैसे आप यहां पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद सेट डेबिट कार्ड लिमिट लिखा हुआ नजर आएगा, देन डेबिट कार्ड देखने मिलेगा। तो जो आपका डेबिट कार्ड यहां पे ऐड किया हुआ है, सबसे पहले डेबिट कार्ड को आपको ऐड कर लेना है, तो प्लीज सिलेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है, डेबिट कार्ड आपका शो होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है, तो डेबिट कार्ड आपका यहां पे सिलेक्ट हो जाएगा। देन नीचे में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एटीएम विड्रॉ का और पीओएस का। आप यहां पे देख सकते हैं अभी ये ऑप्शन यहां पे इनेबल नहीं किया हुआ, तो आपको क्या करना है, कार्ड लिमिट वाला जो बॉक्स देखने मिला इसको आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों जैसे आप यहां पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, सिलेक्ट करने बाद अब आपको मान लीजिए एटीएम का विड्रॉ को बढ़ाना है तो इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक्साइट लिमिट अगर आप यहां पे देखें तो 75,000 देखने मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आपको इसको 30,000-25,000 तक करना है तो इस प्रकार से आप 25,000 लिख सकते हैं, 75,000 तक लिमिट बढ़ाना है तो आप यहाँ पे 75,000-45,000 जो भी करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिमिटेशन को कर देता हूँ 30,000, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। उसी प्रकार पीओएस वाला ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप 1.5 लाख रुपया तक के लिमिट को बढ़ा सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे आप यहां पे सिलेक्ट कीजिएगा, सिलेक्ट करने बाद आप यहां पे अमाउंट डाल सकते हैं, मैं यहां पे इसमें डाल देता हूं 50,000। आप यहां पे 1.5 लाख तक डाल सकते हैं और दोस्तों ये डालने के बाद अब आपको यहां पे प्रोसीड वाला ऑप्शन मिलेगा, प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने बाद डेबिट कार्ड नंबर देखने मिलेगा, लिमिटेशन देखने मिलेगा और कितना लिमिट आपने बढ़ाया वो देखने मिलेगा। देन आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहां पे ट्रांजैक्शन पिन नंबर मांगा जाएगा, तो उस ट्रांजैक्शन पिन नंबर को आपको फिलअप कर लेना। तो चलिए मैं इसको यहां पे फिलअप कर लेता हूं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन पिन नंबर को फिलअप कर लिया। फिलअप करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है और दोस्तों जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका रिसीव हो जाएगा और उसके बाद कुछ देर के बाद आप देखिएगा 1-2 घंटे के बाद आपका क्या होगा, लिमिटेशन बढ़ जाएगा। उसके बाद एटीएम मशीन में जाके आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं जितना आपने लिमिट बढ़ाया है। देन आपको गो टू होम पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं।